जेड गिवन इन द क्वेश्चन, जेड मीन्स इंटीजर, इंटीजर मीन्स एनी 0, 1, 2 और एनी नंबर, -1, -2, -3 लाइक दिस, सो दीज आर द इंटीजर्स राइट। नाउ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज नॉट ओन टू, वेयर जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन जेड टू जेड, सो वी नीड टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन विच इज ओन टू फंक्शन, ओन टू, सो द वर्ड रिटन हियर ओन टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड ओन टू, सो दिस इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, ओन टू इज अ टाइप ऑफ फंक्शन। लेट मी एक्सप्लेन दिस ओन टू फंक्शन टू यू फर्स्ट। सपोज देर आर थ्री एलिमेंट इन दिस एंड थ्री एलिमेंट इन दिस। सपोज दिस इज हैविंग रिलेशन विद दिस, टू इज हैविंग रिलेशन विद दिस एंड सिक्स इज हैविंग रिलेशन विद दिस। सो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। नाउ दिस वन एंड दिस फोर, सो दिस फोर इज कॉल्ड एज इमेज, फोर इज कॉल्ड एज इमेज ऑफ वन, फोर इज कॉल्ड इमेज ऑफ वन एंड दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड प्री इमेज, दिस इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ व्हाट, प्री इमेज ऑफ फोर। सो वन की जो इमेज है वो फोर है और वन क्या है, फोर की प्री इमेज है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस टू वर्ड्स इमेज एंड प्री इमेज टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। टू चेक ओन टू अ फंक्शन इज ओन टू और नॉट, सो फॉर ओन टू द कंडीशन फॉर ओन टू इज एवरी एलिमेंट इन सेट बी मस्ट हैव सम प्री इमेज, एवरी एलिमेंट इन सेट बी मस्ट हैव, सेट बी मस्ट हैव सम प्री इमेज। तो हर एक एलिमेंट की सेट बी के अंदर कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए, तब उस केस में हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन ओन टू है। तो ऐसे समझिए, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, तो सेट बी मतलब समझिए तीन, देयर इज अ थ्री फ्रेंड्स, तीन फ्रेंड हैं, ये एक पार्टी में गए और वहां पे अगर तीनों को खाना मिल गया, अच्छे से खाना खा लिया तीनों ने पार्टी में, तो तीनों क्या हो गए, जितने भी एलिमेंट हैं बी सेट में, सो दे बिकम ओन टू। सो व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी गॉट सम फूड, उनको सबको खाना मिल गया है, सो देन वी कैन से दैट ऑल बिकम ओन टू हो गए राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ओन टू। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन अगेन। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन जेड टू जेड विच इज नॉट ओन टू, सो जो ओन टू कब नहीं होगा, लेट मी गिव यू द एग्जांपल विच फंक्शन इज नॉट ओन टू। एग्जांपल हियर दिस वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट। वन की इमेज है फोर, टू की इमेज है फोर, थ्री की इमेज है फाइव, तो सिक्स की इमेज, सिक्स लुक एट दिस, सिक्स, सिक्स के पास कोई एरो आया ही नहीं है, सो इन दैट केस वी कैन से दैट सिक्स डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, सिक्स के पास कोई प्री इमेज ही नहीं है राइट। सो सिक्स डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, सो व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड नॉट ओन टू, सो वो फंक्शन ओन टू नहीं होता। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, फंक्शन ओन टू होता है कब, नहीं कब नहीं होता है ओन टू। मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए एक बारात गई, बारात में कुछ लोग शादी में डांस करने में लगे हुए थे, कुछ लोगों ने खाना खा लिया, कुछ लोग डांस करके जब आए खाना खाने तो खाना खत्म हो चुका था, तो जब सब बारातियों को खाना नहीं मिला, कुछ बाराती रह गए, खाना उससे पहले ही खत्म हो गया वहां पे राइट, खाने का रेगुलर, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, वो बाराती ओन टू नहीं हुए हैं, उनको सबको खाना नहीं मिला है राइट। सो खाना बाराती कौन है, यहाँ पे बाराती हैं सेट बी के एलिमेंट, और उनका खाना कौन है, सेट ए के एलिमेंट। अगर सभी को खाना मिल गया तो कई बार ऐसा भी होता है, लुक एट दिस एलिमेंट फोर हियर, फोर को अगर आप देखेंगे, फोर ने दो बार खाना खा लिया, एक बार डांस कर रहा था ये बारात में, एक बार फिर दोबारा से जाके खा लिया, तो फोर हैविंग द टू इमेजेस, टू प्री इमेजेस, वन एंड टू, सो फोर ने दो बार खाना खा लिया, लेकिन ये सिक्स है, ये भूखा ही रह गया, तो सभी बारातियों को खाना नहीं मिला, किसी ने दो बार खा लिया, लेकिन अगर एक भी बाराती ऐसा रह गया जिसको अगर खाना नहीं मिला, तो उस फंक्शन को, बाराती यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट है, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे ये फंक्शन ओन टू नहीं है
Right? I hope it's practically it's clear to you what is onto and what is not onto. Now come to the question. We need to write any function. Any function which is not onto. Suppose if write fx is equal to x comma y, and it is written the relation between y is x square plus 2. Like this is the relation. Now if I form an arrow diagram for this, look at the arrow diagram for this, for the integers. Here it is integer z, here it is integer z. So it is 0, 1, 2, minus 1, minus 2 and so on. And here it is 0, 1, 2, minus 1, minus 2 and so on. Right? Now tell me if the value of x is 0, what is the value of y? X ki value 0, to yahan pe x hai aur yahan pe y hai. To x ki value 0 hogi. To y ki value kya hogi? Dekho 0 hogi to ye hogi 2. Aur x ki value agar 1 hogi, if the value of x is 1, so agar yahan pe 1 rakh dein to y ki value kitni aayegi? 3. If x value is -1, if x value is -1, then in that case, if it's -1, then in that case it is -1 square, it comes again 3, right? And if it is -2, then if it is -2, -2 square plus 2, 2 to the 4 plus 2, 6. -2 is having 6. So agar aap yahan pe dekhenge is function mein, agar yahan pe 2 lenge, 2, to is function mein if I write 2 here, 2 to the 4, 4 plus 2, 6, right? So yahan pe 1 ke liye kya aaya element? अगर इस एग्जांपल को आप समझेंगे तो 1 के लिए क्या आया, 1 के लिए एलिमेंट आया जब x की वैल्यू 1 ली तो आया 3, जब x की वैल्यू -1 ली तब भी आया 3, x की वैल्यू अगर हमने 2 ली तो क्या आया, 2 के बाद 2 टू द 4, 4 प्लस 2, 6, तो 3 के बाद डायरेक्टली 6 आया। सो व्हाट अबाउट 5, व्हाट अबाउट 4, तो 4 और 5 यहां पे ऐसे एलिमेंट बच गए हैं, 4 एंड 5, और ये नेगेटिव एलिमेंट्स जिनको कोई भी खाना नहीं मिला है, दे खाना नहीं मिला मींस दे डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, राइट? सो दे डू नॉट हैव एनी प्री इमेज, इनको कोई प्री इमेज नहीं मिली है यहां पे, ठीक है? तो प्री इमेज नहीं मिली है, सो देन वी कैन से दैट दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑनटू, राइट? इट इज नॉट ऑनटू फंक्शन। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन दिस मच एज आई एक्सप्लेन हियर, यू हैव टू राइट ओनली दिस इज द आंसर, दिस वन। You can write like this function, this type of function here. So this is the answer. I hope this is clear to you. I have elaborated the function here. What is onto function? I have elaborated what is, which function is not onto. I have given several examples for this question, but you need to write only a single expression there.